आज हमें लिटिल इंडियन बैट का एक स्पेसिमन मिला है जिसको हमने प्रिजर्व करना है। ये फुल ग्रोन इंडिविजुअल तो नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन फिर भी हमारे म्यूज़ियम के लिए ये एक अच्छा सैंपल बन सकता है। इसको प्रिजर्व करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में बताना चाहूँगा लिटिल इंडियन बैट के बारे में। एडल्ट लिटिल इंडियन बैट की हेड टू बॉडी जो साइज़ है वो है 8 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक, और अगर हम इसका विंग स्पैन देखें तो ये 18 से 21 या 22 सेंटीमीटर तक होता है, तकरीबन 7 से 8 इंच। मीन्स कि इतना सा ये फुल ग्रोन इंडिविजुअल है जो अपने फुल विंग स्पैन के साथ हमें वाइल्ड में मिलता है। हेड टू बॉडी लेंथ को मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि इसकी जो हेड टू बॉडी लेंथ है वो 8 से लेके 10 इंचेस तक है, तकरीबन 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 4 इंच से थोड़ा सा कम। अब मुझे स्पेसिमन दिखाएँ। ये हमें स्पेसिमन जो मिला है इस टाइम 1 इंच से भी कम है। इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसकी फुल बॉडी शेप यूज़ करते हैं, तो इस टाइम इसकी जो फुल बॉडी शेप है वो इस तरह से है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक ब्लैंक पेज के ऊपर इस तरह स्प्रेड करेंगे। ये इतना छोटा और नफीस है कि इसको हाथ से हैंडल करना भी मुश्किल है। इसकी शेप को इंटैक्ट रखने के लिए हम इसके ऊपर टेप्स लगाएंगे ताकि इसकी ये दोबारा डी शेप ना हो। तो इसको अब टेप के साथ हम इस मोल्ड के ऊपर प्लेस करेंगे ताकि ये डी शेप ना हो। इसकी कंप्लीट शेप हमने इस मोल्ड के ऊपर अब सेट कर ली है, और इसको अब जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं इसके बाद आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह हमें ये इसी शेप में ही मिलेगा। मुझे सॉल्ट दिखाएं। ये कॉमन रॉक सॉल्ट है जो हमें मार्केट से इजीली मिल जाता है। इस रॉक सॉल्ट को हम यूज़ करेंगे फॉर इट्स ममिफिकेशन। इसको हम अब तकरीबन 1 वीक टू 10 डेज़ के लिए रूम टेम्परेचर पे किसी डार्क प्लेस पे रखेंगे, और जब इस टाइम के बाद हम इसे रिमूव करेंगे सॉल्ट से तो हमें एक वेल प्रिजर्व्ड लैब सैंपल या म्यूज़ियम सैंपल मिल जाएगा इंडियन लिटिल बैट का। देखें जी, अब 1 वीक गुजर चुका है और अब हम इस लिटिल इंडियन बैट के स्पेसिमन को सॉल्ट से रिमूव करने लगे हैं। अब हम 1 वीक के बाद इस स्पेसिमन को सॉल्ट से रिमूव कर रहे हैं। ये होपफुली फुली डिहाइड्रेटेड हो चुका है और इस टाइम ममीफाइड है। अब हम इसके ऊपर से जो मोल्ड है और जो टेप है वो रिमूव करके देखते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में है या नहीं है, जैसे हमने इसको प्रिजर्व किया था। ग्रेट, ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही है, और हम इस सैंपल को अपनी म्यूज़ियम के लिए या लैब के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।